सफेद बाल तोड़ने पर सारे ही बाल सफेद क्यों हो जाते हैं और आखिर आईपीएल से कितना टैक्स वसूला जाता है और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ब्लैकबेरी जैसी कंपनी देखते ही देखते बर्बाद क्यों हो गई? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको बताया कि वियतनाम आर्मी की वुड पोल क्लाइंबिंग टेक्निक इस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। असल में दोस्तों वियतनाम के जवानों को कुछ इस तरीके की सीक्रेट ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कुछ इस तरीके से सिर्फ एक वुडन पोल का इस्तेमाल करते हुए ही ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और वास्तव में ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दंगल मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसने कमाई के सारे ही रिकॉर्ड इस पूरी ही दुनिया में तोड़ दिए थे, तो वहीं क्या आपको पता है कि इतनी इंस्पिरेशनल और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली मूवी को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बैन ही कर रखा है। क्यों? चलिए बताता हूँ। असल में दोस्तों इस मूवी के लास्ट में एक ऐसे सीन को भी फिल्माया गया था जिसमें भारत का राष्ट्रीय गान बजता है। अब ऐसे में पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि उनकी कंट्री के अंदर भारत का राष्ट्रीय गान बजे, जिसके चलते हुए उन्होंने इस पूरी की पूरी मूवी को ही बैन कर रखा है और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आमतौर पर जब भी किसी भी इंसान का देहांत होता है तो उसकी विदाई को नम आंखों के साथ किया जाता है, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ब्रिटेन से एक ऐसा वाक्या हमारे सामने आया जिसे देख सबके होश उड़ गए। असल में दोस्तों ये वाक्या ब्रिटेन की बर्गिंगम सिटी का है, जहां पर जब कैटी नाम की महिला का देहांत हुआ तो उसे कब्रिस्तान में ले जाने के बाद वहां पर उसके परिवार और रिश्तेदारों ने कुछ इस तरीके से डीजे को बुलाकर जश्न मनाया और इसीलिए देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेज स्पीड के साथ वायरल भी हो गई और सच में किसी पागलपन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 17। दूसरी सीरीज में मैंने आपको एशिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान के बारे में बताया था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मानव इतिहास का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन था? मिलिए पॉल एंडरसन से, जिन्हें ऑफिशियली इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान माना जाता है। असल में दोस्तों इन्होंने 2850 किलोग्राम की बैग लिफ्ट मारी थी, जो कि अप्रोक्सीमेट दो हिप्पोस को एक साथ उठाने के बराबर है और ये इंसानी इतिहास का अभी तक का किया गया एक ऐसा कारनामा है जिसे अभी तक कोई भी दोबारा दोहरा तक नहीं पाया है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसमें आज के आधुनिक समय में भी रात में पूरी ही इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां का पावर सप्लाई प्रोडक्शन इतना ज्यादा वीक है कि उन्हें हर रात पूरे ही तरीके से कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी को काटना पड़ता है और इस बात का सबूत अभी हाल ही में ISS के द्वारा क्लिक की गई इमेज और वीडियो से दुनिया के सामने आया और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर एक पूरी ही कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी को हर रात पूरे ही तरीके से काट दिया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले VR हेडसेट को साल 1967 में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है दोस्तों कि ऐसा गूगल का मानना है, मेरा नहीं। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले VR हेडसेट को, जिसे कि साल 1960 में रशिया में बनाकर तैयार किया गया था और टेक्निकली यही इस पूरी दुनिया का सबसे पहला VR हेडसेट था जिसके बारे में शायद गूगल तक नहीं जानता। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि हर साल 14 फरवरी को लॉस एंजलिस में पुल ईच अदर नाम के एक ऐसी यूनिक कंपटीशन को भी खेला जाता है जिसमें देश विदेश से कॉम्पिटिटर्स आकर कुछ इस तरीके से एक दूसरे को एक रस्सी की मदद से खींचकर पानी से भरे गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जो भी कॉम्पिटिटर दूसरे प्लेयर को खींचकर इस पानी से भरे गड्ढे में डाल देता है उसे इनाम के तर्ज पर इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों गोल्फ को अमीरों का खेल कहा जाता है, लेकिन क्या ये अमीरियत सिर्फ प्लेयर्स तक ही सीमित है? ऑनेस्टली नहीं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब गोल्फ में किसी भी बॉल को हिट किया जाता है तो अक्सर वो बॉल जंगल या फिर पानी में चली जाती है, जिसको वहां से ढूंढकर वापस निकालने के लिए स्पेशली ट्रेंड गोल्फ बॉल डाइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर सर चकरा देने वाली बात ये है दोस्तों कि इन तरीके की जॉब करने वाले इंसान की मिनिमम सैलरी ही मंथली 15 लाख रुपए के आसपास होती है और वास्तव में दिमाग फाड़ देने वाली चीज जरूर है। फैक्ट नंबर 12।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ईयर वॉर्म नाम की एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसमें किसी भी पेशेंट के दिमाग में एक ही गाने के लिरिक्स या फिर म्यूजिक लगातार बजते रहते हैं जिसके चलते हुए वो कभी भी किसी और काम पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता। अमेजिंग बात ये है दोस्तों, ये सिंड्रोम को ठीक करने के लिए किसी मेडिसिन की नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा सॉन्ग्स या फिर टोन्स का ही सहारा लिया जाता है जिसके चलते हुए पेशेंट को वो टोन्स या फिर म्यूजिक लगातार पूरे ही दिन सुनाए जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट उसका ब्रेन धीरे धीरे इस सिंड्रोम से बाहर आ जाता है और इसीलिए इस सिंड्रोम को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हम हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं फिर वो चाहे मेडिकली प्रूवन हो या फिर नहीं और उसी का ही जीता जाता है एग्जांपल टर्टल सूप थेरेपी है। असल में दोस्तों चाइना के लोगों का ये मानना है कि अगर वो एक टर्टल को सूप के अंदर डिप करके उसे कंज्यूम करेंगे तो वो कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। हालांकि मेडिकली इसका कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है लेकिन बावजूद इसके भी चाइना में इस अजीब सी चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। स्ट्रेंज बट सच। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बहुत बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स तो जरूर देखे होंगे लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क को देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1900 के आसपास शूट किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप को इस पूरी दुनिया के सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप भी माना जाता है जिसे यूएसए में ओपन किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि साल 1993 में इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा समुद्र के अंदर एक ऐसी साउंड को भी सुना गया था जिसके बारे में आज तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। असल में दोस्तों बहुत से रिसर्चर्स का कुछ ऐसा मानना था कि ये साउंड किसी रहस्यमय जीव की थी जिसे उस दिन के बाद से आज तक दोबारा कभी भी नहीं सुना गया। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका माइंड या आर्मी का सुनने का राइट तो बनता ही है। गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैंडीज या फिर चॉकलेट अक्सर बच्चों के दांतों को खराब कर देती हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात दिलाने के लिए कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ उतरी है। असल में दोस्तों उन्होंने बच्चों को पसंद आने वाली सभी चॉकलेट्स लॉलीपॉप्स और कैंडीज पर एक एडिशनल कैंडी टैक्स को लगा दिया है जिसके चलते हुए इनके दाम पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। असल में दोस्तों कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनका कंजम्पशन काफी ज्यादा कम होगा और फ्यूचर में छोटे बच्चों के दांत सड़ने की परेशानियों से भी इस स्टेट को छुटकारा मिल सकता है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि इस दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम टेस्टर्स जब भी किसी भी परफ्यूम को टेस्ट करते हैं तो वो उसे या तो अपनी कलाई पर या फिर गर्दन पर डालकर उसकी स्मेल को सूंघते हैं लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों परफ्यूम्स के अंदर के केमिकल हमेशा ही हीट में काफी अच्छी फ्रेग्रेंस को रिलीज करते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्योंकि हमारी कलाई या फिर गर्दन में ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है तो वहां का टेम्परेचर भी बाकी की बॉडी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है जिसके चलते हुए इन जगहों पर परफ्यूम की स्मेल नॉर्मल जगहों की तुलना में सही और काफी तेज आती है और इसीलिए परफ्यूम की टेस्टिंग के लिए बॉडी के इन्हीं पार्ट्स को चुना जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जब हम 250 या फिर 300 रुपए की एक अम्ब्रेला को खरीदते हैं तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमें धूप और बारिश से बचाए लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा अम्ब्रेला भी मौजूद है जिसकी अपने आप में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है लेकिन बावजूद इसके भी ना ही वो आपको धूप से बचाएगा और ना ही बरसात से, तो क्या आप उसे परचेस करेंगे? असल में दोस्तों अभी हाल ही में गुची और एडिडास कंपनी ने कुछ ऐसे अम्ब्रेलास को बनाकर तैयार किया है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की छातों की कीमत 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास है और सच में ये अजीब है। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हर एक कंट्री में इतने ज्यादा व्हीकल्स भरते हुए चले जा रहे हैं कि अक्सर हमें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है लेकिन वही बात अगर दुबई की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे लेकिन दुबई सिटी एक ऐसी सिटी है जहां के पेट्रोल पंप आपको हमेशा ही खाली नजर आएंगे लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों पिछले काफी लंबे समय से दुबई एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च कर चुका है जिसके चलते हुए वो बिल्कुल फ्री डिलीवरी चार्जेस में पेट्रोल को ही आपके घर तक डिलीवर कर देते हैं जिसके चलते हुए किसी भी शख्स को पेट्रोल पंप की लंबी लंबी लाइन में कभी भी लगना ही नहीं पड़ता। वैसे क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4।
दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने इस्तांबुल में वुमन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फ्लाईवेट 52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश भारत का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 3, आखिर IPL से कितना टैक्स वसूला जाता है। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन IPL टैक्स के नाम पर एक भी रुपया हमारी गवर्नमेंट को नहीं देता। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि IPL को एक बिजनेस की तर्ज पर नहीं बल्कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी इवेंट की तर्ज पर रजिस्टर किया गया है, जिसका मेन एम क्रिकेट को इंडिया के अंदर प्रमोट करना है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंडियन लॉ के अनुसार IPL से कभी भी टैक्स को नहीं वसूला जा सकता। वैसे क्या ये चीज सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों ब्लैकबेरी जैसी कंपनी बर्बाद हो गई। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वो दौर था जब सभी बड़े बिजनेसमैन और प्रीमियम फोन चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ ब्लैकबेरी फोन का ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन देखते ही देखते आज वो दौर भी आ चुका है कि प्रेजेंट डेट की जनरेशन तो शायद ब्लैकबेरी के नाम से भी वाकिफ नहीं होगी। तो फिर आखिर कैसे स्टीव जॉब्स ने देखते ही देखते ब्लैकबेरी को बर्बाद कर दिया। असल में दोस्तों ये दौर था साल 2005 और 2006 का, जब मार्केट में आईफोन जैसी कोई भी चीज मौजूद थी ही नहीं, और उस समय पर ब्लैकबेरी अपने क्वालिटी कीबोर्ड के साथ मार्केट में ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही आईफोन ने सबसे पहली बार एक ऐसे फोन को मार्केट में लॉन्च किया जिसमें फिजिकल कीबोर्ड था ही नहीं, तो ब्लैकबेरी ने देखते ही देखते इस चीज का खुले तौर पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे उलट स्टीव जॉब्स का ये विजन था कि क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग इनपुट की जरूरत होती है, तो क्यों ना एक ऐसा यूनिवर्सल टच कीबोर्ड बनाकर तैयार किया जाए जो कि हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर दे। और ऐसा ब्लैकबेरी के फिजिकल कीबोर्ड के साथ कर पाना नामुमकिन था। लेकिन इससे उलट ब्लैकबेरी ओवर कॉन्फिडेंस में एप्पल का मजाक उड़ाते हुए अपने आगे आने वाले सभी मॉडल्स में भी क्वालिटी कीबोर्ड को लाने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली देखते ही देखते यूजर्स को टच स्क्रीन वाले फोन को यूज करना क्वालिटी कीबोर्ड वाले फोन की तुलना में काफी ज्यादा इजी लगने लगा, और ब्लैकबेरी की सेल ड्रामेटिकली गिरती हुई चली गई। लेकिन बावजूद इसके भी ब्लैकबेरी ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस ना छोड़ते हुए अपने आगे आने वाले फोन्स में भी फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड को देना जारी रखा, जिसके चलते हुए थोड़े बचे हुए कंपनी के शेयर भी पूरे ही तरीके से डूब गए। और इस तरह देखते ही देखते आईफोन ने एक तरीके से ब्लैकबेरी को पूरा ही बर्बाद कर दिया। और वास्तव में ये एक अच्छी चीज है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी से बड़ी कंपनीज तक को बर्बाद कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, एक सफेद बाल तोड़ने पर बाकी के बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि अगर हम खींच कर अपने सर से एक सफेद बाल को तोड़ते हैं तो हम 10 नए सफेद बाल उगा लेंगे। लेकिन आखिर इसमें कितना सच है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक हेयर फॉलिकल से सिर्फ एक ही बाल ग्रो करता है। अब उस बाल की थिकनेस, ग्रोथ और लेंथ कितनी होगी ये टोटली डिपेंड आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पर करता है। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि किसी भी बाल का सफेद या फिर काला होना टोटली एक पिगमेंट पर डिपेंड करता है जिसे कि मेलानिन के नाम से जाना जाता है। अब अगर किसी भी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर इस पिगमेंट की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाएगी तो उसका सीधा असर आपके हेयर फॉलिकल पर पड़ने लगता है, और देखते ही देखते आपका बाल ब्लैक की बजाय ग्रे या फिर व्हाइट कलर में ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आप उस व्हाइट बाल को पकड़कर खींचकर तोड़ते हैं तो उसका असर किसी दूसरे हेयर फॉलिकल पर नहीं पड़ता। यानी कि बात पूरी तरीके से साफ है कि एक सफेद बाल खींचकर तोड़ने से बाकी के बाल सफेद नहीं होते। तो फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये जनरेट होता है कि आखिर जब ऐसा होता ही नहीं है तो इस मिथ को इतने बड़े स्केल पर फैलाने की जरूरत पड़ी ही क्या। असल में दोस्तों यूजली जब किसी भी इंसान के बाल सफेद होना शुरू होते हैं तो वो उन्हें छुपाने के लिए सबसे पहले उन्हें हाथ से खींचकर तोड़ना शुरू कर देता है। अब उस कंडीशन में अगर आप बार बार इस काम को करते हैं तो आप उस हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देंगे, जिसके चलते हुए आपके बालों पर पैच बनने के साथ साथ डेड स्किन की भी क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी, और उसका सीधा ही असर उस हेयर फॉलिकल के आसपास मौजूद हेयर फॉलिकल्स पर भी पड़ने लगेगा, जिसके चलते हुए वो आपकी बालों की थिकनेस को कम कर आपको एक अनचाहा गंजापन दे सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए लोगों को ये चीज करने से रोकने के लिए इस भ्रम को इतने बड़े स्केल पर
फैलाया गया। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि एक सफेद बाल तोड़ने से आपके बाकी के बालों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि पैरागन जितना ज्यादा बांटा जाए उतना कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैंक स्टेट मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।